राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शशत नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से आपका भाग्य सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खास करें जिससे लक्ष्मी जी की कृपा और आपके जीवन में सुंदरता और भाग्य का साथ आपको मिलने लगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे हर हर महादेव कुछ भी लिखें दोस्तों, लिखिएगा जरूर। दोस्तों, चंद्रमा, चंद्रमा माँ का सूचक है और मन का कारक है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। स्मरण शक्ति या बुद्धि कमजोर हो जाती है, घर में पानी की कमी आ जाती है, मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में तरह तरह की शंका और सर्दी बनी रहती है। व्यक्ति के मन में बहुत ही उथल पुथल रहती है, गलत विचार बनते हैं। तो दोस्तों, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों के साथ ये समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, चंद्रमा जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा जल अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सफल दाम्पत्य जीवन, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर रहे, प्यार रहे, पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा ही बना रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना है? सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध मिला हुआ अर्घ्य देना है। पति पत्नी चाहे तो मिलकर भी दूध दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी चंद्रमा को जल में दूध मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्र देव की विशेष कृपा आप पर होती है और आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन आपके जीवन में धन आ नहीं पाता है, धन का रुकाव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? आपको पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय जब होता है उस समय आपको चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिला के ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना है। इससे धीरे धीरे उसकी आर्थिक जो समस्याएं हैं आपकी वो खत्म हो जाएंगी, धन रुकने लगेगा, धन आने लगेगा। बहुत ही उपयुक्त उपाय है दोस्तों। चंद्रमा को अगर आप इस तरीके से जल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लगती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर अगर 11 कोढ़ियाँ चढ़ाकर उन पर आप हल्दी से तिलक करें, अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। क्या करना है दोस्तों? 11 कोड़ियाँ आपको लेनी है, उन पर आपको हल्दी से तिलक करना है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में विराजमान हो, और अगले दिन इन कोड़ियों को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों, इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके बाद हर पूर्णिमा के दिन आपको इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना है, उन पर हल्दी से तिलक करना है और फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर वापस तिजोरी में रख देना है। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। हर पूर्णिमा का दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि इस समय सभी मंदिर बंद हैं, तो ऐसे में ये सब आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावृति शंख अवश्य ही रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए।
अक्षत मीन्स दोस्तों चावल, साबुत चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाइए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके घर पर है तो उसे चावल की ढेरी पर स्थापित करें। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। साथ ही साथ दोस्तों पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र की ज्योति तेज होती है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, और ऐसा दोस्तों बहुत ही पुराने समय से किया जाता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ रहता है, कहा जाए कि बच्चा स्वस्थ रहता है। गर्भवती स्त्रियों को तो जरूर कुछ देर चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे पूर्णिमा के कुछ अचूक और छोटे छोटे से उपाय। अगर आप इनको करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी धन की भी प्राप्ति होगी, जीवन भी आपका सुखमय होगा। और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय श्री राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा जरूर।